में मनाया जाएगा करवा चौथ का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं सुनीता शर्मा। तो चलिए आज हम चलते हैं इस स्पेशल स्टोरी की ओर। आज करवा चौथ है और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये त्योहार दीपावली से 9 दिन पहले मनाया जाता है। आज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन औरतें सुबह से लेकर चांद निकलने तक निर्जला रहकर पति की लंबी आयु की कामना करती है और चांद को अर्घ देकर व्रत खोलती है। आज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान की पूजा अर्चना करती हैं और वैवाहिक सुख समृद्धि से बीते ऐसी मनोकामना करती हैं। साथ ही वे निर्जला उपवास रखती हैं। पौराणिक कथा के आधार पर बताया गया है कि एक साहूकार के 7 भाई थे, जिनके बीच एक बहन थी जिसको सातों ही बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा था और सारा दिन भूखी प्यासी रही। शाम को चांद देर तक नहीं निकला तो उसके भाइयों ने छलनी में दीपक रखकर बरगद के पेड़ पर रख दिया और चांद निकल आया बता दिया। भाइयों ने बहन से अर्घ दिलवाकर व्रत संपन्न करवाया, लेकिन चांद को अर्घ न देकर व्रत संपूर्ण नहीं हुआ और उसके पति की मौत हो गई। लेकिन पति के शव को 1 साल तक लेप लगाकर रखा और अगले करवा चौथ का व्रत किया। बताया जाता है कि पति पूर्ण जीवित हो गया। उस समय से आज तक सुहागन छलनी से चांद को देखकर उसके पश्चात पति का चेहरा देखती हैं और अपना उपवास खोलती हैं। ऐसी ही कई पौराणिक कथाएं इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं। भारत में इस करवा चौथ को बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। इस त्योहार को और त्योहारों की भांति बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज चैनल पर। नमस्कार।